नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। अभी बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में एक बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज 74 साल की उम्र में दिल्ली के स्कॉट हॉस्पिटल में निधन हो गया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, इस दौरान उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। अभी इस रामविलास के पासवान के निधन के बाद एक कहा जा सकता है कि कभी न पूर्ति होने वाली राजनीति को देश की राजनीति में एक क्षति हुई है। वहीं LJP के लिए बिहार चुनाव के मद्देनज़र ये बहुत बड़ा झटका है। बीते दिनों हमने देखा था कि सीट बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान बार बार ये कहते आ रहे थे कि उनके पिता की तबीयत खराब है, जिस वजह से वो बिहार की राजनीति में मीटिंग्स में बार बार पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे और वो बीच में मीटिंग्स को छोड़कर चले जा रहे थे। उन्होंने इस दौरान एक लेटर भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं उनकी अभी देख रेख में दिल्ली हॉस्पिटल में हूँ। बता दें कि पिता के निधन के बाद चिराग पासवान ने ट्विटर पर एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा है, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। ये एक बड़ा ही भावुक उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। उनके इस पोस्ट का मतलब होता है कि अब उनके साथ उनके पिता का साथ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी गए हैं वो उनकी निगरानी में रहेंगे। आपको बता दें कि रामविलास पासवान देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। उन्होंने LJP का गठन किया था। इस पार्टी को उन्होंने शुरुआत से लेकर के आज इस ऊंचाई तक उन्होंने सींचा। LJP को करीब उन्होंने अपना 20 साल दिया पार्टी को सींच करके। आज NDA सहित बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल है महागठबंधन, RJD के साथ उनकी सरकार चली, BJP के साथ सरकार चली और उन्होंने केंद्र से लेकर के बिहार की राजनीति में एक अपना दबदबा रखा था। तो अब कहा जा सकता है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका LJP को लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि LJP इस झटके से कैसे उबरती है, क्योंकि बिहार में महज चुनाव में अब करीब 20 दिनों का समय बच गया है। इस दौरान इस चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है, तो वो इस झटके से कैसे उबरते हैं और देश की राजनीति सहित बिहार की राजनीति में कैसा अपना दमखम दिखाते हैं।